स्वागतम स्वागतम मामा श्री, आइए विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए मामा श्री। तो आपकी और सम्राट युधिष्ठिर की चौसर जम गई मामा श्री, और आपके पांसों की सेना जो कभी हारना जानती ही नहीं, मैंने उनका जीतना भी देख लिया मामा श्री। मैं तो क्षमा चाहता हूँ मामा श्री कि आज सवेरे मैंने आपकी चौसर का नाम बड़े अनादर के साथ लिया, क्योंकि आपकी चौसर तो आपके जीवन भर की साधना है, रणभूमि है, साधना है। युद्ध नीति कहती है पुत्र कि कभी कभी जीतने के लिए हारना आवश्यक है, और यही हार हमें जीत का मार्ग दिखाएगी। आज सवेरे मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मैं दांव खेलने जा रहा हूँ। मैंने तो वास्तव में तुम्हें ये कहा था कि अब मेरा अंतिम खेल आरंभ होने वाला है, और तुम चुपचाप बैठो और देखते रहो। परंतु तुम्हें तो चुप रहना आता ही नहीं पुत्र, बीच में ही बोल पड़ते हो और मुझे सोचने भी नहीं देते। पुत्र दुर्योधन, मुझे तनिक विचार करना है, हा? अब तुम जाओ और जाकर मैं दानव का बनाया हुआ राज्य सभागृह देखाओ। बड़ा अद्भुत भवन है पुत्र, बड़ा अद्भुत। जाओ जाओ। जी हाँ, आप केवल विचार ही करते रहिए, मैं चला। प्रिय दुर्योधन, इंद्रप्रस्थ में ये मायावी महल, अद्भुत है उस मैं दानव का चमत्कार। आश्चर्य, बड़ा सुहावना दृश्य है। नहीं नहीं, युवराज की जय हो। युवराज की जय हो।
अग्नि। चलिए युवराज, ये अग्नि नहीं है। सावधान युवराज, आगे पानी है। पानी? पानी कहाँ है? दासे भी हमसे खिलवाड़ करती है। क्रोध कोई वस्त्र नहीं है कि उतार कर दास दासियों पर फेंका जाए। क्रोध तो उसी पर उतारा जाता है जो क्रोध का कारण हो। मुझे बताओ बात क्या है। क्या बताऊं मित्र, एक नागिन मुझे टसकर उलट गई है जिसका विष मेरी नसों में रस रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? कैसी नागिन, कैसा विष? मैं अपमान की अग्नि में जल रहा हूं मित्र, और ये जलन मुझसे सही नहीं जा रही है। ये अग्नि मेरे भीतर भभक रही है, और यदि ये अग्नि मुझे भस्म नहीं कर सकी तो इससे बचने के लिए मैं स्वयं अग्निकुंड में कूद पड़ूंगा। अपमान का ये कलंक मेरे माथे पर किसी वृक्ष की भांति उग आया है जो हर एक क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे इससे बचाव का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। यदि यह अपमान कोई वृक्ष है तो तुम्हारा यह मित्र उसे जड़ से काटने की शक्ति रखता है, और यदि यह अपमान अग्नि का कोई सागर है तो तुम्हारा यह मित्र अपने वाणों की वर्षा करके उस अग्नि के सागर को ठंडा कर देगा। और यदि मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है करण, मैं जानता हूं यदि आवश्यकता पड़ेगी तो तुम मेरा जीवन काल बढ़ाने के लिए स्वयं अपना जीवन दे दोगे। यदि मेरे सामने मेरी मृत्यु खड़ी होगी तो तुम मेरे स्थान पर मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे। परंतु नहीं, यह अपमान का क्षेत्र है, और यदि अपमान का बदला स्वयं न लिया जाए तो घाव भरने की जगह घाव और गहरा हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो तुम्हारा अपमान करने का साहस कर सके। महावीर, महारथी, सर्वश्रेष्ठ गदाधर दुर्योधन का अपमान तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकते। मेरा अपमान किया है उस पांच पतियों वाली द्रौपदी ने, और मैं उससे अपने अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा, और मैं उससे तुम्हारे अपमान का बदला भी लेकर रहूंगा मित्र।
उसका वो बाण मेरे हृदय में अटका हुआ है जो उसने अपने स्वयंवर में तुम्हारी ओर चलाया था। उसने मेरा अपमान नहीं किया था, उसने तो मुझे बस राज्यसभा में मेरा अपना स्थान याद दिलाया था। तुम्हारी कृपा से अंगराज होने के पश्चात भी सूतपुत्र तो मैं हूं ही, और तब तक सूतपुत्र ही रहूंगा जब तक स्वयं मेरी माता आगे पढ़कर मुझसे मेरा परिचय न करवा दे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तुम्हारा यह मित्र एक डूबा हुआ सूर्य है, और एक डूबा हुआ सूर्य ही रहेगा अपने अंधेरे की गुफा का बंदी। इसलिए मेरे मान अपमान की बात ना निकालो, परंतु द्रौपदी उसे तो तुम्हारे अपमान का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। मुझे आदेश दो कि मैं तुम्हारे घाव पर लगाने के लिए इंद्रप्रस्थ का भस्म ले आऊं, और यदि स्वयं बदला लेना चाहते हो तो सेना लेकर चलो और इंद्रप्रस्थ की ईंट से ईंट बजा दो। अरे तुम ये दिन रात रणभूमि में ना खड़े रहा करो अंगराज। योद्धा होने का ये अर्थ नहीं है कि ना दिन देखो ना रात, बस धनुष पर वाण चढ़ाए खड़े रहो। तो फिर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मामाश्री? बुद्धि से बढ़कर ना कोई शस्त्र होता है अंगराज, और ना ही कोई अस्त्र। अरे मैं तो ये कहूंगा कि जीजा श्री के अनुज पुत्रों ने राजसुई यज्ञ कर ही लिया है, अब हस्तिनापुर को भी तो चाहिए कि उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित करे। जब समारोह होगा तो चौसर तो जमेगी ही। सम्राट युधिष्ठिर से मैं एक बार हार ही चुका हूं, तो क्या मुझे एक अवसर और नहीं मिलना चाहिए? मैं तुम्हें वचन देता हूं प्रिय दुर्योधन कि अब की बार जुए में यदि मैंने सम्राट युधिष्ठिर को कंगाल ना बना दिया तो वनवास ले लूंगा। अरे इंद्रप्रस्थ में मैं बिन कारण ही नहीं हारा था, इसी हार से तो तुम्हारी जीत का मार्ग निकलेगा। मुझे आज्ञा दो मित्र। तुम्हें तो चले ही जाना चाहिए अंगराज, क्योंकि ये समझदारी की बातें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मेरे शब्दकोश में षड्यंत्र का अर्थ समझदारी नहीं है। प्रणाम। तुम्हारा ये मित्र है बड़ा मूर्ख। अरे मैं तो इसे इसलिए झेलता हूँ पुत्र कि तुम्हारे प्रति इसकी निष्ठा पर मुझे अटल विश्वास है। हाँ, राजनीति में ऐसे मूर्खों का अपना ही एक महत्व और स्थान होता है। जब चाहो इन्हें वाण बनाकर किसी की ओर चला दो, या फिर चौसर की गोटी बनाकर पिटवा डालो। तो मैं ये कह रहा था पुत्र कि मेरी इंद्रप्रस्थ वाली हार से ही तुम्हारी जीत का मार्ग निकलने वाला है, और तुम ये भी देख लोगे कि ये मेरे पांसे केवल पांसे नहीं हैं, ये मेरी सेना है जिन्होंने हारना तो कभी सीखा ही नहीं। नहीं मामा श्री, वे इतने मूर्ख नहीं हैं, वे चौसर खेलने कभी नहीं आएंगे। आएंगे भांजे, वे अवश्य आएंगे, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय युद्ध और जुए के आमंत्रण को तो अस्वीकार कर ही नहीं सकता। ये तो क्षत्रिय मर्यादा है भांजे, और पांडव तो मर्यादा भंग कर ही नहीं सकते। और फिर ये आमंत्रण तो ज्येष्ठ पिताश्री की ओर से जाएगा ना। पांडव यहीं से इंद्रप्रस्थ लेकर गए थे भांजे, पांडव यहीं पर इंद्रप्रस्थ देकर जाएंगे। और द्रौपदी, मेरे अपमान का क्या होगा मामा श्री? उसका भी उपाय सोच लिया जाएगा। परंतु पिताश्री, उनकी अनुमति मिलना बहुत कठिन है। तब तो तुम अपने पिताश्री के पुत्र मोह को जानते ही नहीं भांजे। अरे तुम कुछ चाहो और वो तुम्हें ना दे,
ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये भी ना भूलो कि उनके हृदय में भी इंद्रप्रस्थ का चोर कहीं ना कहीं अवश्य बैठा है। वे इंद्रप्रस्थ गए अवश्य थे, परंतु वहां से प्रसन्न नहीं लौटे हैं। सम्राट युधिष्ठिर ने उनसे उनका एक स्वप्न झपट लिया है। वो तो सदैव यही चाहते थे कि तुम्हारा राजसूय यज्ञ हो। तो क्या वो मान जाएंगे? कह के देख लो पुत्र। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाँ, तुम चिंता ना करो दुर्योधन, हम अभी महाराज के पास जाएंगे।